अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम कुकिंग। मैं आपकी होस्ट साइमा दुआ। आज मेरी किचन में बन रही है जुकीनी गोश्त। बहुत झटपट से बनेगी, बहुत इजी रेसिपी है और मेरे पास बहुत टाइम से फरमाइश थी कि जुकीनी का तरीका बताया जाए, कैसे बनाई जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon खुश्क धनिया जिसे कहा जाता है सूखा धनिया, 2 टमाटर, 1 large size अनियन, 4 zucchinis एंड 1 kg मीट या 2 pound मीट। सो व्यूअर्स, मैं गोश्त सबसे पहले पकाऊंगी। गोश्त को गलाना है, उसके लिए मैं कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लें आपके पास कौन सा कुकर है, या आपने देगची में बनाना है। मैं कुकर में बनाऊंगी क्योंकि गर्मियों के दिन है और इतनी देर तक चूल्हे के पास खड़ा होना मुश्किल है। जल्दी से हम पहले गोश्त गलाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। सो सबसे पहले गोश्त में ऐड करूंगी, जुकीनी साइड पर रखूंगी। ये लार्ज साइज का अनियन है, इसे बहुत ज्यादा चॉप करने की जरूरत नहीं है। बस इसके मैंने ये थोड़े से बड़े साइज के टुकड़े काट लिए हैं और ये मैं इसको एज इट इज ऐड कर दूंगी। इसके साथ इसमें टोमेटोज जाएंगे, सेम 1 टमाटर के मैं 4 टुकड़े करूंगी और वो भी बीच में चला जाएगा। इसी तरह दूसरा टमाटर, बहुत ज्यादा चॉपिंग की जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट एंड खुश धनिया भी ऐड हो चुका है और इसमें जाएगा 1.5 cup ऑफ वाटर जो इसको गलाने में मदद देगा। आपके पास अगर कुकर है तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है क्योंकि खाना जरा जल्दी बन जाएगा और घर का टेम्परेचर हाई नहीं होगा। डेगची में बहुत आहिस्ता आहिस्ता चूल्हा जलता रहेगा, घर में स्टीम इकट्ठी हो जाएगी और आपकी एयर कंडीशनिंग थोड़ी खत्म हो जाती है। सो कुकर इज द बेस्ट चॉइस, स्पेशली इन समर टाइम। सो जब तक हमारा गोश्त गल रहा है तब तक हम यहाँ जुकीनी को कट कर लेंगे। जुकीनी इस तरह से पैकेट में मिलती है, इस तरह की एक वेजी है जिसे जुकीनी कहा जाता है अमेरिका में, आई डोंट नो पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं। पहले मैं इसको पील कर लूंगी। इसका जो छिलका या इसकी स्किन है बहुत आराम से पील ऑफ हो जाती है। ये देखिए व्यूअर्स, जुकीनी बिल्कुल रेडी है। मैं इसके मीडियम साइज के स्लाइसेस कट कर लूंगी। सो व्यूअर्स, जुकीनी मैंने कट कर ली है पील करके और मैंने इसको वॉश कर लिया है। ये स्ट्रेनर में ही मैं इसे छोड़ दूंगी, इसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए और गोश्त बनने का इंतजार करेंगे कि जब तक ये मीट अच्छी तरह से गल जाए, फिर आपको दिखाएंगे। कम्प्लीटली वेट करना है जब तक कि ये जो एक कील है ये नीचे ना चली जाए, लाइक नाउ। अब हम इसे रिमूव करेंगे। जब तक स्टीम है निकल रही है तब तक आप इसे ओपन नहीं करेंगे, अदरवाइज वेरी डेंजरस। यू सी दिस, सो यू सी व्यूअर्स, मीट को मैंने पैन में मूव कर लिया है। इसमें थोड़ा लिक्विड है विच इज टोटली फाइन। अब मैं इसमें ये जुकीनी ऐड कर लूँगी और इसे पकने देंगे इस पॉइंट पर। अब मैं इसे कवर करके पकने दूंगी जब तक ये जुकीनी अच्छी तरह से गल जाए। यू सी व्यूअर्स, हमने इसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑयल ऐड नहीं किया है। ये वही ऑयल है जो मीट में चर्बी थोड़ी मौजूद थी। ये बिल्कुल अच्छे से गल चुका है मीट, जुकीनी अच्छी तरह गल चुकी है, कुछ नज़र आ रही है और तकरीबन घुल चुकी है। बस इतनी ही मुझे चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर, ग्रीन चिलीज एंड धनिया। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। सो व्यूअर्स, बड़ी जल्दी से झटपट से रेसिपी तैयार है। टाइम फॉर द टेस्ट टेस्ट नाउ। नाज़
जबरदस्त मजेदार स्पाइसी इसका टेस्ट है। हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट स्पाइसी है। आप देखें आपको कितना स्पाइसी चाहिए। टू मी इट्स माइल्ड स्पाइसेस, ये टू स्पाइसी नहीं है। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए आप इसमें चिली और ऐड कर लें, रेड चिली पाउडर। होप यू एंजॉय द रेसिपी व्यूअर्स। इफ यू डू गिव मी अ थम्स अप, कीप वॉचिंग माई चैनल। सी यू अनदर टाइम विद अनदर डिलीशियस एंड ईजी रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।